हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की डेफिनेशन की। इट इज़ अ ड्रग थेरेपी विच इज़ यूज टू डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर एंड रिलीफ फ्रॉम द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्यूमर ऑफ द कैंसर। मतलब ये ऐसी ड्रग थेरेपी है जिसके यूज करने से जो ट्यूमर की साइज होती है उसको डिक्रीज करना और जो साइन एंड सिम्टम होते हैं कैंसर के उसे रिलीफ करना, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन 3M ऑफ कीमोथेरेपी। फर्स्ट वन कौन सा है? क्योर ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर को ट्रीट करना। कंट्रोल द साइन एंड सिम्टम ऑफ द कैंसर, जो साइन एंड सिम्टम है कैंसर के उसको कंट्रोल करना। इजी एंड कंट्रोल, डिक्रीज द कैंसर इफेक्ट, जो इफेक्ट होते हैं कैंसर के उसको कम करना। इसके बाद पर्पस की बात करते हैं हम। पर्पस ऑफ कीमोथेरेपी, टू डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर। इसके बाद टू कंट्रोल साइन एंड सिम्टम, जो साइन एंड सिम्टम है उनको कंट्रोल करना। टू मेंटेन द पेशेंट गुड मेंटल स्टेटस, जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है उसको बनाए रखना। इसके बाद टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू डिक्रीज एडवर्ड अफेक्ट ऑफ कैंसर, जो कंफर्ट उसको प्रोवाइड करना और जो उसके इफेक्ट को कम करना। तो ये थे हमारे पर्पस। अब हम बात करते हैं हेल्थ टीम इन कीमोथेरेपी कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट, सेकेंड होता है ऑन्को सपोर्टिव नर्स, जो ऑन्को सपोर्टिव नर्स होती है वो होती है। इसके बाद जो होती है रेडियोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होते हैं और डोसोलॉजिस्ट, मतलब जो ड्रग कैलकुलेशन करता है कितनी डोज कब देनी है वो होते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी की बात करें। कीमोथेरेपी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। सबसे है न्यू एजुवेंटेड, सेकेंड है एजुवेंटेड, थर्ड है सिंगल डोज कीमोथेरेपी और फोर्थ है कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू एजुवेंटेड। इन दिस कीमोथेरेपी ओनली डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर, मतलब जो न्यू एडवांटेज है उसमें खाली सिर्फ जो ट्यूमर की साइज है उसको डिक्रीज किया जाता है। सेकेंड है एडवांटेज, इन दिस कीमोथेरेपी आफ्टर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर, जो आफ्टर जो ट्यूमर की साइज होती है उसको डिक्रीज करते हैं, उसको डिक्रीज करने के बाद अप्लाई और यूजिंग अ रेडिएशन थेरेपी, मतलब कीमो ड्रग को यूज करने के बाद अप्लाइंग रेडिएशन थेरेपी। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड डोज सिंगल डोज थेरेपी। इन दिस टाइप ऑफ कीमोथेरेपी डोज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग आर डस बिकम सिंगल, जो डोज होती है वो होती है सिंगल होती है। यूं तो कंबाइन भी करते हैं और सिंगल डोज दो अलग अलग डिफेंड में, दो अलग अलग डोजेज में होते हैं। जैसे कि अब फोर्थ वन है कंबाइंड थेरेपी। इन दिस कीमो ड्रग्स आर रेडिएशन, यूजिंग रेडिएशन थेरेपी और हार्मोनल और पेलेटिव थेरेपी, जो पेलेटिव जो सपोर्टिव थेरेपी होती है वो भी होती है, हार्मोन थेरेपी होती है और रेडिएशन थेरेपी भी होती है। तो ये था हमारा कंबाइंड थेरेपी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीमो ड्रग्स, जो कीमो ड्रग्स जो होती है उनको वो कितने प्रकार की होती है। पांच कीमो ड्रग्स यूज होती है। ATM, इसको शॉर्ट तरीका याद करने का, ATM 3 ATM। फर्स्ट वन ए जो होता है एल्केलाइटिंग एजेंट, सेकेंड होता है एंटी मेटाबॉलिक्स और थर्ड जो होता है एंटी बायोटिक्स एंड फोर्थ जो होता है टोपो आइसोमेरेज और फाइव वन होता है वो मायोटिक्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केलाइटिंग एजेंट क्या होती है। दिस ड्रग्स डैमेज द DNA एंड RNA ऑफ कैंसर सेल्स, जो मतलब उसका जो ड्रग्स होती है वो डैमेज करती है DNA एंड RNA ऑफ द कैंसर सेल, जो कैंसर सेल होती है उसका DNA एंड RNA को डैमेज करती है। अब इसके सब टाइप्स कौन से हैं? सब टाइप ऑफ एल्केलाइटिंग एजेंट 2N एंड ATE कौन कौन से? 2N कौन से? नाइट्रोजन मस्टर्ड, सेकेंड एन नाइट्रोजन सर्सेस, थर्ड है एल्केलाइन सल्फेट, फोर्थ ट्राइजाइन एंड इथाइलेमाइन। ठीक है, तो ये ड्रग्स होती है हमारी कीमो ड्रग्स एल्केलाइटिंग एजेंट में। इसके बाद
जो सेकेंड होती है एंटी मेटाबॉलिक्स, दिस ड्रग्स ब्लॉक द डीएनए एंड आरएनए, जो डीएनए और आरएनए होता है उसको ब्लॉक कर देती है। कौन सी होती है? हाइड्रोक्सिन यूरिया एंड मेट्रोट्रेक्सेट, ये एंटी मेटाबॉलिक्स ड्रग्स होती है। इसके बाद थर्ड हमारा जो ड्रग्स होती है वो होती है एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, होती है दिस ड्रग्स स्टॉप द रिप्रोडक्शन ऑफ आरएनए, सॉरी डीएनए एंड आरएनए। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स के एग्जांपल है? नियोमाइसिन, मिटोमाइसिन, ब्लोमाइसिन और एसिनोमाइसिन। तो ये हमारे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है, ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के टाइप्स हैं। अब फोर्थ वन जो हमारी ड्रग्स है वो है टोपो आइसोमेरीज। इसके अंदर दिस ड्रग्स स्टॉप द आइसोमेरीज एंजाइम, जो आइसोमेरीज जो एंजाइम होता है उसको स्टॉप कर देती है ये ड्रग्स। तो कौन से एग्जांपल है? टोपो आइसोमेरीज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमेरीज सेकेंड, ये दोनों ड्रग्स के नाम है जो क्या करते हैं, जो स्टॉप द आइसोमेरीज एंजाइम, आइसोमेरीज जो एंजाइम है उसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ वन है माइटोलिक या विनको एल्कलॉइड, दिस ड्रग्स स्टॉप द सेल डिवीजन प्रोसेस, जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है जैसे 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से, उसको क्या करता है? बंद करता है। इसका एग्जांपल है विनिसिटाइन, जिसका क्या एग्जांपल है। अब हम इसके साइड इफेक्ट ऑफ कीमो ड्रग्स की बात करते हैं, कौन कौन सी है? वीकनेस, फटीग, सोर, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, हेयर लॉस, सबसे कॉमन कौन सा होता है? हेयर लॉस होता है। इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया एंड ड्राई ऑफ स्किन। तो ये थे हमारे साइड इफेक्ट ऑफ कीमो ड्रग्स, कौन कौन से? वीकनेस, फटीग, सोर, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, हेयर लॉस एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया एंड ड्राई स्किन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, कीमोथेरेपी में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें चेक द वेट ऑफ द पेशेंट, चेक द बोवेल एंड ब्लडर कंडीशन, चेक द बॉडी बिल ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का वेट चेक करेंगे, ब्लडर एंड बोवेल की जो कंडीशन उसको चेक करेंगे और बॉयल बॉडी बिल मतलब बॉडी फ्लूड्स की चेक करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग असिस्टमेंट। इसके बाद सेकेंड असिस्टमेंट की बात करते हैं हमारा, वो है असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो ये टीआरपी होती है हमारा, टीआरबीपी, वो चेक करेंगे। इसके बाद थर्ड जो है हमारा असिस्ट द पोजिशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें प्रोवाइड द पोजिशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, जो पेशेंट का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ जो असिस्टमेंट है असिस्ट द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट के मेंटल स्टेटस को चेक करेंगे, जैसे कि असेसिंग द एंजाइटी, असेसिंग द डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन की मीनिंग रॉन्ग है, असेसिंग द स्ट्रेस एंड फियर, जो स्ट्रेस एंड फियर उसको असिस्ट करेंगे, गिविंग नोट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, गिविंग अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो है वो है असिसिंग द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कीमोथेरेपी, असिस द कंडीशन इन द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन चेक करेंगे, असिस द फटिक कंडीशन इन द पेशेंट, पेशेंट की फटिक कंडीशन है मतलब थकावट को चेक करेंगे, असिस द डायरिया कंडीशन इन द पेशेंट, जो डायरिया की जो कंडीशन है वो कौन सी है उसको चेक करेंगे। इसके बाद पेशेंट में सिक्स जो है असेस यूजिंग 5 राइट्स ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय नर्स, जो नर्स जो है जो ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसमें कौन से राइट 5 है, राइट डोज, राइट मेथड, राइट टाइम, राइट पेशेंट एंड राइट डोज। तो ये था हमारा राइट 5 राइट्स होते हैं उसको यूज करना होता है। इसके बाद असिस्ट द डाइट पैटर्न ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का डाइट जो पैटर्न होता है उसको असिस्ट करेंगे, गिविंग अ पेशेंट लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट को प्रोवाइड करेंगे, गिविंग अ मिनरल सप्लीमेंट टू द पेशेंट, मिनरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, गिव विटामिन सप्लीमेंट टू द पेशेंट, विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गिव द
लो डाइट ऑफ साल्ट, साल्ट जो होता है मतलब नमक, उसको लो डाइट में प्रोवाइड करेंगे. गिव द ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल प्रोवाइड करेंगे. अवॉइड द स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड को क्या करेंगे हम, अवॉइड कराएंगे. तो ये था हमारा 7 असेसमेंट. इसके बाद 8 और 9 और 10 जो हमारा असेसमेंट है वो है असिस द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट, जो साइन एंड सिम्टम है उसको असिस्ट करेंगे. गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट एंड फैमिली, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को. इसके बाद मेकिंग अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट, हमारा जो नर्सिंग जो केयर प्लान होता है वो हम मेक मतलब तैयार करेंगे. तो ये था हमारा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी नर्सिंग नोट्स, जिसमें आपको डेफिनेशन, पर्पस, ड्रग्स ऑफ कीमोथेरेपी, ड्रग्स ऑफ कीमो ड्रग्स एंड साइड इफेक्ट और नर्सिंग मैनेजमेंट की हमने बात की. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए. यदि आपको इस वीडियो की PDF यानी नर्सिंग नोट्स की, जो सभी नर्सिंग नोट्स अवेलेबल है, सेकेंड ईयर GNM, थर्ड ईयर GNM और BSc नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके भी नोट्स हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है. साथ ही यदि आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.